जहां उद्योग को बढ़ाने के लिए, कारखानों को बढ़ाने के लिए दोनों सरकारें प्रयास कर रही हैं। मैं उन हिसाब किताबों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हिसाब किताब में जाएंगे तो बात इधर उधर भी हो सकती है, इसलिए हिसाब किताब में नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक ये बात है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, तो आज भी बड़ों का सम्मान करते हैं, इसलिए हिसाब किताब में मैं नहीं जाना चाहता। जहां अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उद्यमी आगे बढ़े, वहीं हमारा समाज भी आगे बढ़े, क्योंकि जो खुशहाली आए हमारे देश में वो समाज में भी खुशहाली आए। दिल्ली से आगरा तक सड़क बन जाए, और उससे बढ़िया सड़क अगर बन जाए आगरा से लेकर के लखनऊ तक, और वही सड़क हमारे पूर्वांचल के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं अपने आप खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर रफ्तार बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो चीजें आएंगी कहां। तो अपने संसाधनों से प्रदेश, अपने संसाधनों से देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना रही है, और मुझे खुशी है कि वो वक्त पर खत्म होगा। चुनाव जाने से पहले हमारी कोशिश होगी उसको खत्म कर दें। और जहां आपने दुनिया में एक्सप्रेसवे देखे होंगे, उसी तरह का एक्सप्रेस बनाने की हमारी कोशिश है, और वो बन करके तैयार होगा। और पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए वो, हालांकि उसका नाम तो है लखनऊ से बलिया एक्सप्रेस वे, लेकिन सही मायने में उसका नाम होना चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। जिस देश से हम मुकाबला करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चीन। यहां के लोग गए होंगे, चीन की सड़कें देखी होंगी, बिजली का इंतजाम देखा होगा, हालांकि वो हमारे और आपकी जैसी आजादी नहीं है। हम और आप खड़े होकर के किसी को भी कुछ कह सकते हैं, अगर चीन में कुछ कह दोगे तो हो सकता है वापिस से ना लौटे कोई। हालांकि तरक्की खुशहाली है, जिन्होंने अखबार ध्यान से देखा होगा वो जानते होंगे 50 लेन की रोड में भी जाम लग गया। अगर इतनी बड़ी रोड हो, चौड़ी रोड हो, अगर उस पर भी जाम लग रहा हो, हमारे देश में तो अभी कुछ बनी नहीं, अभी तो 4-5-6 लेन 8 लेन की बनी थी, कोर्ट ने उसका टोल हटवा दिया, तभी तो हमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आबादी के हिसाब से, बाजार के हिसाब से हम लोग 125 करोड़ के देश के लोग हैं। जहां हमारा बाजार बड़ा है, वहीं चुनौती भी हमारी बड़ी है, इसलिए ये इंडस्ट्री ग्रो करे।